हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डीजर फुलफिल डीजेएस पर। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, क्योंकि इससे आपका फ़ायदा तो होगा ही, साथ ही साथ हमारे इस प्रयास को भी बल मिलेगा। आज का हमारा विषय है कॉमन एरर्स। इसका फर्स्ट पार्ट हम पहले बना चुके हैं और आज हम इसका सेकंड पार्ट बना रहे हैं। ठीक है दोस्तों, उसमें भी हमने टॉप 10 रूल्स डाले थे एरर करेक्शन के, और आज हम नेक्स्ट टॉप 10 रूल्स इसके अंदर डाल रहे हैं, जो कि आपकी किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं या उसके लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, द रीजन से शुरू होने वाले सेंटेंसेस में आगे चलकर बिकॉज का प्रयोग करना गलत होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसको। द रीजन फॉर हिज कमिंग लेट वॉज बिकॉज द ट्रेन वॉज लेट। यहाँ पर बिकॉज को हटाकर हमें दैट का प्रयोग करना है। ठीक है, तो सही सेंटेंस क्या बन जाएगा, द रीजन फॉर हिज कमिंग लेट वॉज दैट द ट्रेन वॉज लेट। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। रूल नंबर सेकंड है, एक साथ एक जैसी दो डिग्रीज का प्रयोग नहीं होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, ही रीड्स द टेक्स्ट मोर फास्टर देन सीमा। यहाँ पर मोर एंड फास्टर बोथ आर सेकंड डिग्रीज। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मोर और फास्टर दोनों में से हमें एक को रखना पड़ेगा, लेकिन फास्ट की सेकंड डिग्री होती है फास्टर, इसलिए यहाँ से मोर को हम हटा देंगे। हमारा सही सेंटेंस हो जाएगा, ही रीड्स द टेक्स्ट फास्टर देन सीमा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर थ्री है, एक ही सेंटेंस में सेम मीनिंग वाले दो शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास में लिस्ट है उन शब्दों की, रिटर्न बैक सपोजिंग इफ जस्ट एग्जैक्टली वेरी रिसेंटली एक्सीड मोर कजिन ब्रदर सिस्टर सफिशियंट इनफ टू वेरी मैनी डिफरेंट सेम यूजल। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, मिस्टर रमेश इज रिटर्निंग बैक फ्रॉम डेली टमोरो। यहाँ पर रिटर्निंग और बैक दोनों जो वर्ड हैं इनके एक ही मीनिंग निकलते हैं, वापस आना, तो यहाँ से हम रिमूव कर देंगे बैक को और हमारा सही सेंटेंस हो जाएगा, मिस्टर रमेश इज रिटर्निंग फ्रॉम डेली टमोरो। चलिए रूल नंबर फोर पर चलते हैं, यदि दो सब्जेक्ट्स एज वेल एज विद टुगेदर विद अलॉन्ग विद इन एडिशन टू लाइक अनलाइक बिसाइड्स इत्यादि शब्दों से जुड़े हों, तो वर्ब हमेशा पहले सब्जेक्ट से एग्री करती है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, द कैप्टन एज वेल एज द बैट्समैन वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफीट। यहाँ पर हमारे पास में जो हमारा सब्जेक्ट है वो कौन सा है, पहला सब्जेक्ट द कैप्टन। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम बैट्समैन को देखें तो ये हमारा प्लूरल है, लेकिन हमें हमारी जो वर्ब है वो किससे एग्री करेगी, फर्स्ट सब्जेक्ट से, तो द कैप्टन सिंगुलर है, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगी। वर्ब की जगह पे हम किसको रिप्लेस कर देंगे, वाज को। हमारा सही सेंटेंस हो जाएगा, द कैप्टन एज वेल एज द बैट्समैन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर फाइव, इट इज और इट वॉज के बाद नाउन का सब्जेक्टिव केस ही प्रयोग होता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, इट वॉज हिम हु स्पॉटेड मी इन आवर ऑफ क्राइसिस। यहाँ पर इन्होंने इट वॉज के बाद हिम लगाया है, जो कि ऑब्जेक्टिव केस है ही का, यहाँ पर क्या आना चाहिए, ही। सेंटेंस बन जाएगा हमारा सही, इट वॉज ही हु स्पॉटेड मी इन आवर ऑफ क्राइसिस। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर सिक्स है हमारा, वर्ब डाई के बाद प्रीपोजिशंस का सही प्रयोग कैसे करें। डाई ऑफ इट मीन्स भूख से मरना, डाई फ्रॉम भूखमरी से मरना, डाई इन दुर्घटना में मरना, डाई फॉर देश समाज जाति या फिर किसी खास मकसद के लिए मरना। ठीक है दोस्तों, हमें डाई वर्ब का सही तरीके से प्रयोग करना है, उसके बाद कौन सी प्रीपोजिशन कहाँ आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं रूल नंबर सेवन पर,
ऑर्डिनल से पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। यदि वाक्य में ऑर्डिनल्स जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड सो ऑन एंड कार्डिनल्स जैसे 1 2 3 एंड सो ऑन दोनों का प्रयोग हुआ हो तो पहले ऑर्डिनल्स का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। द फर्स्ट थ्री स्टोरीज ऑफ द स्टोरी बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पर हमारे पास में ऑर्डिनल है फर्स्ट और कार्डिनल है थ्री। ऑर्डिनल से पहले क्या लगा है आर्टिकल द। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 8 पर। ईच ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन लगती है और सिंगुलर वर्ब लगती है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ईच ऑफ द थ्री पार्टिसिपेंट्स वर आस्क्ड टू परफॉर्म फॉर 5 मिनट्स। यहाँ पर ईच ऑफ के बाद में थ्री पार्टिसिपेंट्स प्लूरल नाउन हो गया, लेकिन यहाँ पे प्लूरल ही वर्ब का प्रयोग किया गया है जो कि है आस्क्ड। ये यहाँ पर आप देखेंगे कि जो वर्ब लगा है ये गलत हो जाता है। यहाँ पर हमारे पास में सही वर्ब क्या होगा, वॉज। तो हमारा सही सेंटेंस क्या बनेगा यहाँ से। ईच ऑफ द थ्री पार्टिसिपेंट्स वॉज आस्क्ड टू परफॉर्म फॉर 5 मिनट्स। यहाँ पर हमारा सही सेंटेंस ये हो जाएगा। पार्टिसिपेंट्स के साथ यहाँ पे क्या लगेगा, वॉज, क्योंकि शुरू में क्या है यहाँ पे ईच ऑफ द। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 9 पर। हाइफन नाउन्स में फोकस हमेशा लास्ट वर्ड पर होता है, उससे पहले किसी शब्द के साथ एस या ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सी गेव मी 3 100 rupee notes। यहाँ पर 100 और रुपी इनके साथ में एस या ई एस का प्रयोग नहीं होगा। लास्ट जो हमारा वर्ड है नोट्स, यहाँ पर इसके साथ में एस लग जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 10 और लास्ट रूल हमारा आज का इस वीडियो का। फर्नीचर बैगेज लगेज नॉलेज एडवाइस मनी इंफॉर्मेशन म्यूजिक न्यूज पोइट्री सीनरी, ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं और इनके बाद लगने वाली वर्ब भी हमेशा सिंगुलर ही होती है। इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी ब्यूटिफुल। यहाँ पर जो सीनरीज नाउन का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे सीनरीज कभी नहीं होता, यहाँ पे सीनरी होता है और बाद में अब सीनरीज के साथ में तो उन्होंने आर लगा दिया, तो यहाँ पे सीनरीज होता ही नहीं है तो क्या लगेगा, सीनरी। और सीनरी के साथ में क्या आना चाहिए, सिंगुलर वर्ब। यहाँ पर आ जाएगा द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी ब्यूटिफुल। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा लास्ट रूल था, रूल नंबर 10। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन के रूप में आपको कुछ देना नहीं होता, ये बिल्कुल फ्री होता है और जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाती है। तो प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और जल्द ही आपसे फिर से मुलाकात करते हैं एक नए बेहतरीन एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।